नमस्कार, फसल सलाह के YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित आप सभी के साथ फिर से आ गया हूँ मंडी के भाव को लेकर के। तो देखते हैं फसल सलाह ऐप, आपका व्यक्तिगत कृषि सलाहकार। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के मंडी भाव में हम सबसे पहले बात करते हैं चावल की। तो चावल अभी का बाजार अभी घटेगा। सरकार द्वारा गत सप्ताह मोटे चावल के निर्यात पर 20% शुल्क लगा दिया गया था। उसके तुरंत बाद ही ब्रोकन चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस वजह से औसतन 100 रुपये प्रति क्विंटल की सभी तरह के मोटे चावलों में गिरावट आ गई। हम मानते हैं कि बांग्लादेश द्वारा 10% आयात शुल्क पर और कम कर दी गई है, लेकिन घरेलू निर्यात बंद होने का व्यापक प्रभाव पड़ेगा। अतः मोटे चावल में फिलहाल तेजी नहीं है। उधर सभी तरह के बासमती चावल में भी गिरावट दर्ज की गई है। इसका कारण यह है कि 15.09 का जो दबाव है वो मंडियों में बढ़ गया है। इस वजह से 300 से 400 रुपये 15.09 चावल में कमी आ सकती है। इसमें इसमें हम कुछ प्रमुख मंडियों की बात कर लेगा चावल में, तो कैथल में बासमती का जो भाव है वो 8100 से 8300 है। वहीं जालंधर में जो 17-18 का भाव है वो 8200 से 8300 है। करनाल में जो भाव है 15.09 का वो 6800 से 7000 है। वहीं संगरूर में जो भाव है 11-21 सेला का वो 8200 से 8400 है। और ये पिछले एक हफ्ते में 100 से 200 रुपये कम हो गए जब से इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है। वहीं अगर हम बात कर लेंगे धान की, तो धान में 15.09 की जो आवक है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और आज ही का जो मार्केट है वो अमृतसर में 2 लाख बोरियों से ऊपर धान की अराइवल हुई है। तो अगर हम बात कर लेते हैं प्रमुख मंडियों की, तो नरेला जो कि दिल्ली में है उसका भाव है 3656 रुपये हाथ का। जहांगीराबाद में 3661 रुपये हाथ का। गढ़मुक्तेश्वर में 3671 रुपये हाथ का। हापुड़ में 15.09 का भाव है 3775 रुपये। और सिरसा में जो 15.09 का भाव है वो 3461 रुपये है। अब हम बात कर लेते हैं सोयाबीन की। देखते हैं सोयाबीन में क्या रहे हैं भाव और कैसा रहा है बाजार। तो सोयाबीन में जो घटी कीमत पर सभी प्लॉटों की लीवाली बटन से इसकी मंदी पर ब्रेक लग गया है। और यहाँ पे जो भाव 5450 से 5500 रुपये चले गए हैं। और आगामी 1 से 2 दिनों में हाजिरी में सोयाबीन की तेजी अस्थायी तौर पर रुक सकती है। तो अगर हम सोयाबीन में प्रमुख मंडियों की बात करें, तो नीमच में जो भाव है 5000 से 5150 रुपये, उज्जैन में 5150 से 5250 रुपये, अशोकनगर में 4500 से 5100 रुपये, और कोटा में जो भाव है वो 5000 से 5300 रुपये है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सरसों में। तो सरसों में गत सप्ताह खाद्य तेलों में बढ़े भाव पर घबराहट पूर्ण बिकावली आ गई। दूसरी ओर उत्पादक मंडियों में नए पुराने तेलों का दबाव बढ़ जाने के बाद सभी खाद्य तेलों में मंदे का एक बार दलदल बन गया है, लेकिन उपभोक्ताओं का इसमें कोई लाभ नहीं दिखा है। गत सप्ताह सरसों की आवक 2 लाख बोरी से बढ़कर सभी उत्पादक व खपत वाली मंडियों में 2.25 लाख बोरी दैनिक हो गई, जिसके चलते सप्ताह में उत्तरधार में चौतरफा बिकावली का प्रेशर बढ़ गया है। यही कारण है कि जो सरसों निवाई टोंक कोटा लाइन की जयपुर पहुंच में ऊपर में 6450 से 6475 रुपये प्रति क्विंटल 42% कंडीशन वाली बिक गई थी। सरसों में कुछ प्रमुख मंडियों की बात करें, तो जो सलोनी कोटा का जो भाव है वो 6850 रुपये, वहीं सिवानी में जो भाव है 5475 से 5500 रुपये, भरतपुर में 6116 रुपये और डींग में 6116 रुपये है। तो इसी तरीके के और भी फसलों के भाव जानने के लिए डाउनलोड करें हमारा फसल सलाह ऐप और उसमें मंडी भाव में जाकर सभी तरह के भाव देखें। उसके अलावा ये हमारा नया फसल सलाह का पेज फिर से बना हुआ है, इस पर जाकर के देखें और किसी भी तरीके की कृषि समस्याओं का हल पाएं, जिसमें कि आपको फसल सलाह ऐप में कृषि सलाह, दुगनी आय, सरकारी योजनाएं, प्रश्न पूछे, मौसम जानकारी, मंडी भाव, बाजार रिपोर्ट, कृषि समाचार, बीमा, दुकानें, हर तरह की सुविधाएं मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। फसल सलाह ऐप आपका व्यक्तिगत कृषि सलाहकार।